अम्बाला के पोश इलाके में बीती रात महिला पर हुए लाइव एसिड अटैक पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और आरोपियों से सख्ती में निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक के मामलों में केंद्रीय सरकार ने भी सख्त निर्देश दे रखे हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही मंत्री ने एसिड मामले में गंभीरता जताई हो, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एसिड आज भी बाजारों में सस्ते दामों व आसानी से उपलब्ध हो रहा है। अभी हमारे को सूचना मिली थी, सूचना पाते ही यहाँ पर आ गए थे हम सारे, तो अभी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। CIA 1 CIA 2 की टीम और क्राइम की टीम और अपना FSL की टीम बुला ली गई है, तो अभी सारे फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आसपास सारा चेक कर रहे हैं, तो कहीं एक दो फुटेज में फोटो आई है तो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग थे और कैसे था और इसका क्या था। लेबर डिपार्टमेंट में बताया, लेबर डिपार्टमेंट में महिला काम करती थी और आज पैदल ही चली आ रही थी, यहाँ से नज़दीकी उसका घर था, दो घर छोड़ के उसके ऊपर अटैक हुआ। हाँ, स्पेशल टीमें बना दी हैं, जैसे बताया कि सारे थाने की 3-4 टीमें लगी हैं, चौकी दोनों तीनों लगे हुए हैं इंचार्ज और CIA 1 2 रिलेटिव सारे लगे हुए हैं। एक लेडी कविता वाइफ ऑफ गौरव 34 ईयर मेल करके आई थी, कुछ लोग उनको लेके आए थे और देयर वाज अ केस ऑफ एसिड बर्न और पूरा फेस नेक दोनों हैंड और एब्डोमन और लेग वगैरह पे एसिड गिरा हुआ है। राइट आई भी काफ़ी डैमेज है, तो नियर अबाउट 60% एसिड बर्न। तो हमने उसको प्रॉपर फर्स्ट एड देके और GMC 32 रेफ़र कर दिया है। हालत काफ़ी सीरियस है, तो इमिडिएटली हमने फर्स्ट एड देके रेफ़र कर दिया। 60% तो उसके SIT गठित कर दी गई है और सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। इसके बारे में केंद्रीय सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं जो एसिड अटैक वाले हैं, तो उसके सारा किया जा रहा है।